अस्सलाम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप रिस्क की वजह से परेशान हैं, दौलत पैसा इज्जत माल नहीं आती, ना ही आपकी कोई इज्जत करता है, घर में रिस्क नहीं तो फाके हैं, दौलत नहीं पैसा नहीं तो दुनिया में रुसवा है, तो क्यों ना हम अल्लाह पाक से मांगें और दुआ करवाएं एक ऐसी परी से जो हमारी अल्लाह से जाकर फरियाद करे और हर वक्त अल्लाह पाक के नाम की इबादत करती हो। सुबहान अल्लाह की फातिमा परी का अमल मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन परी, नूर की हाला फातिमा परी की हाजिरी भी होगी, आपके घर में भी रहेंगी और आपके लिए दुआ भी करेगी, और ये पंच तन पाक का जो नक्श है इसकी बदौलत वो आपके घर से कभी नहीं जाएगी। जिस घर में भी ये नक्श मौजूद होगा उस घर में कभी जादू, नजरे बद, काला जादू, सफली इलम, बंदिश जो बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देती है, बंदिश औलाद में, रिश्तों में, शादियों में, पैसों में, रिस्क में, इज्जत में, दौलत, बंदिश लगा दी जाती है, नजरे बद लगा दी जाती है, काला जादू कर दिया जाता है। आज मैं इन सब का तरीका आपको समझाऊंगी। अपने घर की मदद खुद करें, जब आप मेरे बताए हुए अमल करेंगे ना तो आपको दोबारा किसी भी अमल को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अमलियात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सात तबाकुन गुनाह से बचो। लोगों ने पूछा वो कौन से हैं? आसरसम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, जादू करना, किसी को ना हक मार देना, सूद खाना, यतीम का माल खा जाना, जहाद से भाग जाना और नेक और पाक पारसा औरतों पर तोहमत लगाना। याद रखें, जादू ना किया करें, तावीज़ कंडे ना किया करें, नक्श अल्लाह के कलाम के होते हैं, नक्श से मदद ले लें, जादू ना किया करें, किसी को ना मारें, किसी का पैसा ना खाएं, खुद अल्लाह से मदद मांगें, दुआ करें, ये परी भी आपके लिए दुआ ही करेगी। अल्लाह से मदद मांगें, इंशाल्लाह आपकी मदद होगी। वक्त रात का, इशा की नमाज का, रात 10 बजे का टाइम ज़्यादा बेहतर है। दिन जुमा, नौ चंदी जुमा, यानी जुमे रात की जब मगरिब गुजर जाए तो जुमे का दिन शुरू हो जाता है, यानी नौ चंदी जुमा शुरू हो जाता है, ना कि जुमे को मगरिब हो जाए और उसके बाद हफ्ता, नौ चंदी हफ्ता शुरू होता है। अमल कब करना है? नौ चंदी जुमे को 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और नमाज पाबंदी से पढ़नी है। अगर परी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने घर का फर्द बनाना चाहते हैं जो आपके लिए दुआएं मांगे, दौलत रिस्क पैसा बेहिसाब आए, फरिश्ते भर भर अल्लाह पाक की तरफ से आपको झोलियाँ भर भर अता करें, तो ये अमल आप लोग ज़रूर करें। नमाज ज़रूर पढ़ें। अमल की तादाद 101 मरतबा है, ठीक है। ये जादू और बंदिश, सफली इलम, काला इलम ख़त्म करने का ये एक गिलास पानी का अमल मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले परी को हाजिर करके घर में एक जगह दे दें ताकि परी वहां पर मौजूद हो जाए। इस नक्श को बना लें। इस नक्श को बनाने के बाद ये जो दायरा है ना स्याह रंग का, मैंने आपको कई काजल बताए हैं, चमेली का काजल, गुलाब का काजल, अतर का काजल, ठीक है, कोई भी काजल ले लें, ठीक है, इसके ऊपर इस दायरे के अंदर लगा दें। अगर तो इस परी को देखना है, फातिमा परी को, तो ये इस दायरे में लगाकर, तो खुशबू भी लगा सकते हैं, अतर का भी काजल बना सकते हैं। लगाने के बाद आपने 7 दिन पढ़ाई करनी है बापरहेज। परहेज में सिर्फ हम दूध, दही, अंडा और दूध जैसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, दही जैसी कोई भी चीज़ जिसमें ऐड होगी वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। 7 दिन आपने ये वाला अमल करना है, ठीक है। खालिक आम, यहाँ से देखिए, खालिक आलिम दाइम हाजिर शो हक्के बदे, यहाँ से देखिए, हक्के हक्के बदीउल समावातु,
ठीक है, समावाती भी पढ़ा जाएगा, समावातु भी पढ़ लें, सुबहान अल्लाह। फिर एक दफा गौर से सुन लें, खलके आलिम दाइम हाजिर शु। ये देखें, ये बा का ये नुक्ता है, बेहक के बदियुल समावाती समावातु दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। सुबहान अल्लाह कितनी बार पढ़ना है, 101 मरतबा। अव्वल आखिर कितना दुरूशी पढ़ना है, 11 मरतबा। पहले दुरूशी पढ़ें, फिर आप 101 मरतबा ये पढ़ें, फिर आप 11 मरतबा दुरूशी पढ़ें। दुरूशी पढ़ने के बाद इस सियाह दायरे में देखें, 7 दिन ये अमल इसी तरह करना है। सियाह दायरे में देखना है, यहाँ पे परी की हाजिरी होगी, यहाँ पर परी हाजिर होके आपसे बात करेगी। आपको ख्वाब में भी हाजिर हो सकती है, अमल के पहले दूसरे तीसरे दिन ख्वाब में आती है, फिर तीसरे चौथे और सातवें दिन तक ये आपके सामने हल्का हल्का रोशनी आने लगेगी, हाजिर होना शुरू हो जाएगी। इस नक्श को बनाकर अपने घर में किसी भी जगह आप रख लें, ठीक है। इस नक्श को बनाकर किसी भी जगह रख लेंगे तो आपके घर में परी की हाजिरी हर वक्त मुमकिन रहेगी। वो किसी भी कोने में बैठकर आप लोगों के लिए दुआएं मांगा करेगी, आप लोगों के लिए इबादत किया करेगी। अगर आपके घर में बीमारी है, दुआ करेगी, या अल्लाह मेरे इस बंदे ने जौन सा है इतनी दुआएं मांगी हैं आपसे, अल्लाह पाक मैं इसके खातिर जौन सा यहाँ पर आकर बैठी हूँ, ये मेरा मालिक है और मैं इसकी गुलाम हूँ, या अल्लाह इसकी दुआ पूरी कर ले। जो भी इंसान ये अमल करेगा, परी उसकी ताबे हो जाएगी और उसके लिए दुआ करेगी। फिर जब आपके घर में रिज़्क नहीं होगा तो कहेगी, या अल्लाह इस बंदे ने मुझे पुकारा, मुझे बुलाया, मुझे हाजिर किया और इसके घर में खाने को कुछ नहीं है, या अल्लाह इसके घर में रिज़्क दे दे। पैसा, दौलत, इज्जत, माल, आप किसी भी जगह गिर नहीं सकते, झुक नहीं सकते, इतनी इज्जत आपको मिलती है। ये एक खास अमल का तरीका है जो आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा, कभी ना कोई आपको सिखाएगा ना ही कभी आपको कोई बताएगा। अब जब आपने ये अमल कर लेना है, परी को हाजिर कर लेना है, नक्श एक कोने में घर के किसी भी रख देना है और रखने के बाद परी उसी जगह पर उसी जिस कमरे में भी आप ये नक्श बनाकर रखेंगे, परी की हाजिरी उधर ही हुआ करेगी, परी उधर ही बैठकर इबादत किया करेगी सारा सारा दिन इस जिक्र का, सुबहान अल्लाह का, ठीक है। अब आपने जादू अपने घर में से कैसे खत्म करना है, एक गिलास पानी लें, पानी के अंदर सुबहान अल्लाह की 101 मरतबा तस्बीह पढ़ें, तस्बीह पढ़ के पानी पर दम करें। पानी पर दम करने के बाद पूरे घर में जितने भी फर्द हैं, जितने भी लोग हैं, उनको एक एक घूंट पानी में पानी का पिला दें, ठीक है। ये इंसानों की काट हो गई, इसी पानी को लें और पानी को स्प्रे बोतल में डालें और पूरे घर में छिड़का दें। पानी जमीन पे गिरने नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। पानी का छिड़काव करें सारे घर में। अगर आपकी दौलत पे बंदिश है वो भी खत्म हो जाएगी। किसी ने ये हिसार भी बता रही हूँ कि जब आप पानी का छिड़काव करोगे आपके घर का हिसार हो जाएगा, दोबारा आपके घर में फाका कशी नहीं होगी, रिस्क दौलत पैसा इतनी ज्यादा तादाद में आएगा कि आप बोरियां भरते रह जाएंगे। अल्लाह पाक इतना रिस्क अता फरमाएंगे, क्योंकि जादू और बंदिश, काला इलम, सफली इलम और जो नजरे बद है वो तो खत्म हो ही जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है, पानी के छिड़काव से। लेकिन जब आप ये सारा अमल कर लें, पानी सब फैमिली को पिला दें और जब आप पूरे घर में इस पानी का ही छिड़काव कर दें, करना जुमे वाले दिन ही है, इसमें नौ चंदी जुमे की पकड़ नहीं है, किसी भी जुमे आप कर सकते हैं, लेकिन पानी को जरूर आपने अपने जो घर में किसी भी कोना खाली ना रहे, ठीक है, वॉशरूम छोड़ दीजिएगा, बाकी हर जगह छिड़काव कीजिएगा। नंबर दो, जब आप रात को परी को पुकारने का अमल करें, अगर आप चाहते हैं कि परी की हाजिरी ख्वाब में हो, वो हमें ख्वाब में आके हमसे बातें करें, या हमारे घर के हाल हवाल के बारे में बताएं, या हमें रिस्क के लिए हमें कोई मतलब कि नुस्खा बताएं, दुआ, अगर आप परी से बात करना चाहते हैं तो ख्वाब में भी कर सकते हैं। रात को 3 मरतबा यही जिक्र पढ़कर आप सो जाएं, ठीक है। सोने के बाद परी किसी भी वक्त ख्वाब में आपको पता भी लग जाएगा, सुबह उठकर आपको वाज़े पता लगेगा कोई आपसे ख्वाब में मिला था, ठीक है। और इसका इस परी का एक जो बहुत एहतराम वाली परी है, काबिले एहतराम है, इसका एक फ़ायदा यह आपके घर में से इतनी महक आया करेगी, इतनी खुशबू, बिला वजह खुशबू आया करेगी। जब आपको फील हो कि आपके घर में खुशबू आई, समझे परी हाजिर हुई, परी इबादत में लगी हुई है, ठीक है। आपके घर में
इतनी खूबसूरत खूबसूरत महक आना शुरू हो जाएगी कि वो आपने कभी महसूस भी नहीं की होगी, स्मेल भी नहीं की होगी। ठीक है, ये खास अमल था जो अमलियात का, जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कुछ भी समझ ना आए, कोई बात भी ना समझ आए, एक दफा जरूर अपनी बहन से पूछिएगा, उसे जहां तक हो सका मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। इसके साथ ही इजाजत दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तमाम जो वीडियो है मदरसा फातिमा तुज़हरा की तरफ से पेश की जा रही है, जज़ाकअल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें जरूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीजें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं, जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फन या एंटरटेनमेंट नहीं है। अपना भी टाइम जाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना जाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकअल्लाह।